नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से देर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन एक्स डायरेक्शन इफ द वर्क डन ऑन मूविंग अ चार्ज ऑफ टू कूलम थ्रू सॉरी पॉइंट टू कूलम थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ टू मीटर अलॉन्ग अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ सिक्सटी डिग्री विद द एक्स एक्सेस इज फोर जूल देन वॉट इज द वैल्यू ऑफ ये अपने को बताना है वैल्यू ऑफ ई या ई e का मैग्नीट्यूड कितना होएगा ना सिंपल सवाल है बेसिक्स यहाँ पे अपने क्लियर होने चाहिए सो so, ये आपकी ई e की डायरेक्शन है लेट से ई नॉट इसका मैग्नीट्यूड है एक्स डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है अब हम हाँ पे एक चार्ज को मूव कर रहे हैं 60 डिग्री के एंगल पे लेट uh, से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम लेके गए या इस चार्ज को तो अपने क्यू की वैल्यू है यहाँ पे 0.2 पॉइंट टू और ये जो एंगल है ये आपका 60 डिग्री का एंगल है थीटा आपको 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे दिया हुआ है हमें ये बताना है कि जब आपने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है डी uh, उसको टू मीटर दिया हुआ है कि दो मीटर हमने मूव किया तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होएगी अगर वर्क डन इज इक्वल टू चार जूल है सो so, ये बात अपने को पता है कि हम लिख सकते हैं वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा और यहाँ पे हम एफ को लिख सकते हैं सो so आपका वर्क डन डब्ल्यू विल इक्वल टू एफ को हम लिख देंगे क्यू ई एस थीटा और विच एम्प्लाईज जो आपका ई e की वैल्यू है ई विल बी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई क्यू एस कॉस सीटा एस को दो मीटर हमें दिया हुआ है बस ये डेटा यहाँ पे रख के अपना आंसर आ जाएगा सो so, ई e की जो वैल्यू आएगी यहाँ कर लेते हैं सॉल्व डब्ल्यू अपने को दिया हुआ है चार जूल डिवाइडेड बाय क्यू है पॉइंट टू तो टू इंटू टेन टू द पावर माइनस वन लिख लेते हैं मल्टीप्लाइड बाय एस जो है डिस्टेंस वो आपका टू मीटर है मल्टीप्लाइड बाय कॉस सीटा आपका क्योंकि हमें दिया हुआ है थीटा जो है सिक्सटी डिग्री है तो कॉस सीटा आपका वन बाय हो जाएगा सो दिस विल बी इक्वल टू वन बाय अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक टू से टू कैंसिल हो जाएगा इस फोर से ऊपर टू आ जाएगा ऊपर टेन uh, का ट्वेंटी हो जाएगा सो विच एम्प्लाइज इलेक्ट्री फील्ड होनी चाहिए ट्वेंटी न्यूटन पर पर कोलम यह आपकी फोर्स की वैल्यू हो जाएगी सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी ट्वेंटी वुड बी द राइट आंसर